हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ज्ञान सिंह। वेलकम टू द लेट सपोर्ट। तो आज एक हम लोग बिहार गवर्नमेंट द्वारा एक नई वैकेंसी रिलीज करी गई है, उसके बारे में हम लोग पूरी डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। फिलहाल के लिए ये वैकेंसी क्या होने वाली है, तो ये आपके बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी द्वारा क्या है रिलीज करा गया हुआ है, जो कि है बिहार BSPHCL टेक्निकल ग्रेड थर्ड एंड अदर पोस्ट रिक्रूटमेंट 2024, यानी कि आपका टेक्निकल ग्रेड थर्ड की वैकेंसी होने वाली है। और चलते हैं आगे, पूरी डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। और आपको अगर इसका लेटेस्ट नोटिफिकेशन दिखाना चाहेंगे तो मैं आपको अभी कुछ देर में दिखाने वाला हूँ, कि क्योंकि इसका एक बार फॉर्म निकल चुका था और ये दोबारा आया हुआ है। ठीक है, ये दोबारा क्या है, रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ है। यहाँ पर देखिए आपकी आवश्यक सूचना में क्या दिया हुआ है, अगर इसको थोड़ा सा जूम करके आपको हम दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ की तिथि क्या थी, पूर्व निर्धारित अवधि में 1/4/2024 से थी। ठीक है, लेकिन वो कैंसिल होके अब 20/6/2024 यानी 20 जून 2024 से आपका रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है, यानी कि आज से ही रजिस्ट्रेशन शुरू है। और कब तक चलने वाला है, ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि कब होने वाली है, 19/7 तक होने वाली है। ठीक है, 19/7/2024 तक, यानी 19 जुलाई तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और पूर्ण निर्धारित आपका जो CBT मोड एग्ज़ाम होने वाला है, उसका एग्ज़ाम का वही सितंबर से अक्टूबर के बीच में आपका एग्ज़ाम भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका नोटिफिकेशन था जो कि मैंने आपको बता दिया है। अभी चलते हैं क्रिस्प में सारी जानकारियाँ लेते हैं इस वीडियो में। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर हम लोग वीडियो आपके नए नए गवर्नमेंट जॉब से अपडेट से रिलेटेड आपके वीडियोज आते रहते हैं, क्योंकि भाई हमारा काम ही यही है। तो मैं आपको जल्द से जल्द बताने का प्रयास करूंगा। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो हमने बता दिया कि आपका एप्लीकेशन आज से शुरू हो चुका है, यानी कि 20 जून से आपका रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। और कब तक रजिस्ट्रेशन चलने वाला है, 19 जुलाई तक आपका रजिस्ट्रेशन चलने वाला है। आपके पास एक महीने का टोटल एक महीने का टाइम मिल जा रहा है। ठीक है, और फीस पेमेंट के लास्ट डेट वही सेम है आपका 19 जुलाई तक। और आपका एग्ज़ाम कब होने वाला है, ये आपका पुराना वाला डेट था। ठीक है, पुराना वाला था, लेकिन अभी मैंने आपको नोटिफिकेशन में कहाँ दिखाया, नोटिफिकेशन में ये देखिए सितंबर से अक्टूबर के बीच में होने वाला है आपका एग्ज़ाम। तो आपका एग्ज़ाम जो होगा सितंबर से अक्टूबर के बीच में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो आप इस बात को ध्यान में रखते हुए आप अपने प्रिपरेशन को कर सकते हैं। ठीक है, सितंबर से अक्टूबर के बीच में आपका एग्ज़ाम हो सकता है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं, एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो एप्लीकेशन फ़ीस हमारी क्या है, जनरल OBC और सॉरी BC बैकवर्ड कास्ट हो गया, और EBC की बात करें तो 1500 इनका क्या है फीस पेमेंट लगने वाला है, इतना फीस इनको देना पड़ेगा। और जो हमारे SC और ST कैटेगरी के कैंडिडेट जो होंगे उनको 375 रुपीज़ पे करने होंगे, और वो भी डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, और नेट बैंकिंग और UPI के थ्रू क्या कर सकते हैं, फ़ीस को पे कर सकते हैं। ठीक, इतनी चीज़ें समझ में आ गई। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसी तरीके से हम लोग क्या है नई नई अपडेट्स आपके सामने लाते रहते हैं। तो यहाँ पे अभी हम एज लिमिट क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे मिनिमम एज क्राइटेरिया आपका 18 साल फॉर टेक्निकल ग्रेड सेकेंड जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की बात कर जा रही है। तो यहाँ पे इनकी क्या है मिनिमम एज क्राइटेरिया इतनी होने वाली है, और मिनिमम एज क्राइटेरिया 21 फॉर अदर पोस्ट, जो और पोस्ट हैं अभी आगे हम लोग डिटेल में पूरी जानकारी लेने वाले हैं। ठीक है, वीडियो में यहाँ छोड़ के मत जाइएगा, पूरी डिटेल में जानकारी आपको ही दी जाएगी। और जो भी डाउट रह जाए प्लीज़ एक बार कमेंट जरूर करिएगा। मैक्सिमम एज बताएं तो आपका 37 ईयर होने वाला है। मैक्सिमम एज क्राइटेरिया आपका 37 ईयर तक का होने वाला है। कुछ एज रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड कर दिया जाता है, जैसे कि हमारे OBC कैटेगरी के जो कैंडिडेट होंगे और जो हमारे SC ST के कैंडिडेट होंगे, तो ये चीज़ें अभी आपके नोटिफिकेशन में चला जाएगा, वहाँ बताया जाएगा। वैसे अगर यहाँ पे हमें बता दूँ तो 5 साल का एज रिलैक्सेशन आपके OBC मिल जाता है, और SC ST वालों को 5 साल का मिलता है, और OBC वालों को 3 साल का मिलता है। मैंने उल्टा बता दिया। ठीक है, तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। तो वैकेंसी बताएं तो 2602 पोस्ट आपको देखने को मिल जा रहे हैं, यानी कि 2610 पोस्ट कम नहीं होते भाई, 2610 पोस्ट कम नहीं है। तो फिलहाल के लिए अब आके चलते हैं कौन कौन से पोस्ट हमको देखने को मिल जा रहे हैं यहाँ पे। तो टेक्निकल ग्रेड थर्ड की बात करें तो 2000 पोस्ट देखने को मिल जा रहा है, जिसमें आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होने वाली है, क्लास 10th पास होना चाहिए विथ 2 ईयर ITI सर्टिफिकेशन इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, यानी कि आपके पास 2 साल का ITI सर्टिफिकेशन होना चाहिए, वो भी कौन से ट्रेड में, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में।
ठीक है। फिर आते हैं जूनियर क्लर्क की बात करें, जूनियर क्लर्क की पोस्ट कितनी है, 300 पोस्ट होने वाली देखने को मिल जा रही है जूनियर क्लर्क की। और बैचलर डिग्री इन कॉमर्स यानी बीकॉम किए रहेंगे ऑल ओवर, कहीं से ऑल ओवर इंडिया से किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने अगर बीकॉम कर रखा हुआ है तो आप फॉर्म को भरने के लिए आप एलिजिबल होने वाले हो, ठीक है। फिर आता है करेस्पॉन्डेंस क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट की बात करें, करेस्पॉन्डेंस क्लर्क जो है 150 पोस्ट देखने को मिल जा रहा है, स्टोर असिस्टेंट की बात करें तो 80 पोस्ट देखने को मिल जा रहा है, जिनमें से आपको बैचलर डिग्री किसी में किसी भी ट्रेड से आपने किसी भी स्ट्रीम से आपने बैचलर डिग्री कर रखी हुई है ऑल ओवर इंडिया से किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो आप भरने के लिए आप एलिजिबल होने वाले हो, ठीक है। ये चीज़ें समझ में आ गई और आगे बढ़ते हैं, और अगर कोई भी डाउट रह जाए तो प्लीज़ एक बार करिए, क्या करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। तो यहाँ पे अगर जूनियर इलेक्ट्रीशियन इंजीनियरिंग यानी जेई जीटीओ की बात करें तो ये हमारा क्या, इसमें कितने पोस्ट देखने को मिल जा रहे हैं, 40 पोस्ट देखने को मिल जा रहे हैं। और डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट इन इंडिया, यानी कि आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से कहीं डिप्लोमा कर रखा हुआ है ऑल ओवर किसी भी इंस्टीट्यूट से इंडिया से, तो आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म को भरने में एलिजिबल होने वाले हैं। असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो है जीटीओ की बात करें तो आपको 4